बैक टू आर इंडो यूरोपियन यूट्यूब चैनल। आज मैं पुष्पा आपके साथ लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ तानिया, जो लुधियाना से बिलोंग करते हैं, रिसेंटली डेनमार्क का वीज़ा आया है। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस तानिया ऑन योर वीज़ा अप्रूवल। थैंक यू सो मच। ओके, सो स्टूडेंट्स जानते हैं तानिया से कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से प्रोग्राम के लिए, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है, कितना बजट चाहिए होता है डेनमार्क में, और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो के थ्रू। सो तानिया स्टार्ट करते हैं आपसे, लुधियाना से आप बिलोंग करते हो, कैसे पता चला इंडो यूरोपियन के बारे में? इंडो यूरोपियन के बारे में एक्चुअली मेरे ऑलरेडी एक सिस्टर गए हुए हैं बाहर, तो उन्होंने अप्लाई किया था, तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया दैट कि इंडो यूरोपियन काफ़ी अच्छा है तो आप वहाँ से अप्लाई करो। ओके, सो जो सजेशन उन्होंने दिया था, जो यू नो एक हिंट उन्होंने दिया था, आपके केस में क्या वो हुआ है? यस, ऑब्वियसली हुआ है। ओके, सो अगर मैं आपकी बैकग्राउंड की बात करूँ, एकेडमिक बैकग्राउंड की, तानिया कितनी एज है आपकी और क्या पढ़ाई की अभी तक? मेरी एज 20 है और मैंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन आई मीन 12th कंप्लीट करी है अभी। ओके, कौन से ईयर में की थी? मैंने कंप्लीट करी थी 2021 में। ऑलराइट, कौन सी यूनिवर्सिटी में और कौन से प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हो? मैं जा रही हूँ नील्स ब्रॉक कॉलेज यूनिवर्सिटी में और मेरा है बिजनेस मैनेजमेंट का। ऑलराइट, बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। बैचलर्स इन। ड्यूरेशन क्या है तानिया इसकी? इसके 4 इयर्स ड्यूरेशन है। ओके, एंड फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं? फीस स्ट्रक्चर 1 ईयर का 11 लाख है। ओके, सो तानिया जैसे अगर मैं इंडो यूरोपियन लुधियाना ब्रांच की बात करूं, आपने बोला कब आए थे आप हमारे पास? मैं 2 मंथ्स पहले आई थी वहां पे। ओके, सब 2 मंथ पहले अगर आप आए थे तो कैसे आपको टीम हेल्प करती है? थोड़ा सा मैं प्रोसेस जानना चाहूंगी कि एक स्टूडेंट है जो रेफरेंस के थ्रू हमारे ऑफिस तक आते हैं, तो ऐसा क्या काउंसलिंग के टाइम पे आपको क्या क्या बताया जाता है वहाँ पे? When I was connected to Indo-European, the experience was very good. They talk very politely. So I think that's the first major part that I think is very good. तो हाँ, यस, उन्होंने काफ़ी डिटेल्स मेरे को, काफ़ी डिटेलिंग में मेरे को बताया, हर एक कंट्री के लिए बताया, सिर्फ डेनमार्क के लिए नहीं, बट दे टोल्ड मी एवरी कंट्री। सो मैंने डेनमार्क चूज़ किया बिकॉज ऑफ फंड्स, वेज रेट एंड ऑब्वियसली स्पाउस के लिए भी। तो आई थिंक दिस इज द डिटेल्स दे आर गिविंग मी। Alright, at the time of the counseling. Yes, yes. Okay. अगर मैं आपकी एडमिशन और वीजा प्रोसेस की बात करूं, अभी आपने बोला 2 महीने पहले आपने किया था, राइट? तो एडमिशन कितने टाइम में आ गया था नील्स ब्रॉक में? नील्स ब्रॉक में एडमिशन मेरा आ गया था आई थिंक 15 डेज में। Alright. एंड अगर मैं वीजा की बात करूं, VFS डेनमार्क में आपने फाइल सबमिट करी होगी, राइट? यस। कितने दिन में आपका वीजा आ गया था? मैंने 20 नवंबर को किया था वीजा अपना अप्लाई VFS में, और मुझे 12 दिसंबर को मिल गया था। अप्रोक्सीमेटली 20 डेज में मेरा वीजा कन्फर्म हो गया था। Alright, तानिया, सो यू नो अगर मैं आपके ओवरऑल फीडबैक की बात करूं, सिंस द डे आपने एनरोल किया था हमारे साथ एंड आज की डेट में जब आपके हाथ में वीजा है, आप हमारे साथ यू नो वीजा कलेक्ट करने आए हो, तो अगर मैं ओवरऑल जर्नी की बात करूं, ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं, कैसा था आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? यस, सो माय ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड विद इंडो यूरोपियन, सो इन शॉर्ट आई थिंक इट्स ग्रेट। Alright, so Tanya, as a feedback, as a suggestion to the viewers जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनका आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे इंडो यूरोपियन के लिए? जिन भी स्टूडेंट्स को अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप इंडो यूरोपियन से करो, क्योंकि मैंने भी काफ़ी जल्दी अपना वीज़ा इनसे ले लिया, आप देख ही सकते हैं। सो या मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इंडो यूरोपियन को कॉन्टेक्ट करो, इनकी हर एक सिटी में इनकी एक ब्रांच है, और आप उनसे कॉन्टेक्ट करोगे तो फिर वो आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई भी करते हैं। Thank you so much, Tanya. Thank you, students, for watching Indo-European YouTube channel. As mentioned by Tanya, we have multiple branches in different cities. Still, if you need to contact us, अगर आपको बात करनी है, you can contact us through our social media website as well as through our Facebook. Thank you, students. Thank you for watching Indo-European YouTube channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.